पेरिस, जो वर्ल्ड में लाइट ऑफ सिटी के नाम से भी मशहूर है, वहीं पर शाम होते ही होटल डी क्रिलोन पूरी तरह रोशनी से जगमगा उठा, जहां पर आज पेरिस का सबसे बड़ा इवेंट पेरिस फैशन वीक शुरू होने वाला था। वेल फर्निश्ड आर्किटेक्चर और वेल मॉडर्न टाइप डेकोरेशन से होटल को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था मानो सारे सितारे आसमान से धरती पर एक साथ उतर आए हों। शाम होते ही होटल में लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। ग्लैमरस वर्ल्ड और फैशन जगत की बड़ी से बड़ी हस्ती इस वक्त यहाँ मौजूद थी और साथ ही साथ मीडिया का भी जमावड़ा लग चुका था। इसके साथ ही सिक्योरिटी के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आहान ने जैसे ही होटल में एंट्री ली कि तभी वो किसी शख्स से टकरा गया। उसने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। तभी सामने खड़ा शख्स हंसते हुए बोला, ओ मिस्टर आहान रॉय, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मीट माय फ्रेंड, कैसे हो मेरे दोस्त। तभी आहान उसे घूरते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, दोस्त नहीं है हम, इसलिए मुझे दोस्त कहने की गलती फिर से मत करना तविश रायचंद। ओहा, हम दोस्त कैसे हो सकते हैं, हम तो जानी दुश्मन है, मैं तो भूल ही गया था कि दोस्ती तो तुमने। ये कहते हुए तविश ने अपनी बात बीच में ही काट दी। उसकी ये बात सुनकर आहान ने वहां से जाने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी तविश आहान के पीछे आती हुई शार्वी को देखकर फिर से बोला, ओ हो, तो ये है आपकी न्यू डिजाइनर, क्या नाम था इनका, शार्वी, काफी खूबसूरत है वैसे। ये सुनते ही आहान एकदम से रुक गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। इसके बाद तविश आहान के थोड़ा करीब आकर धीरे से बोला, सुना है बहुत विश्वास है तुम्हें इन पर, लेकिन मेरे दोस्त खूबसूरत चीजें अक्सर धोखा दे जाते हैं, जरा संभल कर, एक फ्रेशर को तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, ये कोई खेल नहीं है। फिर वो एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम अपने इन मामूली से दो कौड़ी के डिजाइन से मेरी और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को कम्पीट कर पाओगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है आहान रॉय, इस बार तो तुम पूरी तरह हारने वाले हो और तुम्हें हारता हुआ देखना ही मेरा सपना है। ये तो वक्त ही बताएगा तविश रायचंद कि कौन हारता है और कौन जीतता है। ये कहकर आहान ने उसे साइड किया और आगे बढ़ गया। आहान, लेट्स सी, मैं भी बहुत बेताब हूं तुम्हें हारते हुए देखने के लिए आहान। तविश उसको जाता देख पीछे से चिल्लाया और ये कहकर वो भी होटल द्वारा अलॉट किए गए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। शाम के 7 बज चुके थे और जल्दी फैशन शो स्टार्ट होने वाला था। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली सब कंपनीज अपनी अपनी टीम और मॉडल्स को लेकर तैयारी में बिजी थी। होटल में हर तरफ चहलकदमी थी, हर कोई आज शाम होने वाले इस फैशन शो को लेकर काफी एक्साइटेड था। तविश रायचंद, जो अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था, वो अपने रूम में आराम से बैठकर सिगरेट के कश भर रहा था। तभी उसका रूम नॉक हुआ और उसका असिस्टेंट अंदर आया और घबराते हुए बोला, बॉस, बॉस हमारे साथ धोखा हुआ है। ये सुनकर तविश तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे घूरते हुए बोला, वॉट, कैसा धोखा, तुम किस धोखे की बात कर रहे हो। बॉस, रॉय ग्रुप से जिन डिजाइन की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो एकदम फेक थे, उनकी डिजाइन तो उन डिजाइन से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, वो एकदम अलग है सर, और काफी अच्छे और यूनिक भी लग रहे हैं। असिस्टेंट ने घबराते हुए किसी तरह अपनी बात पूरी की। उसकी बात सुनकर तविश गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे पता था आहान इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, वो हमेशा एक कदम आगे की सोचता है, उसके पास हमेशा कोई ना कोई बैकअप प्लान होता है। जाओ और जाकर प्लान बी पर फोकस करो, और इस बार उसके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं होगा, उसे हारना ही होगा, गो एंड हरी अप। उसके इतना कहते ही उसका असिस्टेंट तुरंत ही वहां से चला गया अपने अगले काम को अंजाम देने। दूसरी तरफ मेकअप रूम में, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अपने हाथ में पकड़े ब्लेंडिंग ब्रश को टेबल पर रखते हुए लीजा ने कहा, जो इस वक्त शो की मेन कपल मॉडल्स रिया और करण का मेकओवर कर रही थी। शार्वी भी इस वक्त वहीं पर मौजूद थी, जो बाकी मॉडल्स को रेडी होने में उनकी हेल्प कर रही थी। तभी एक वेटर उस रूम में आया और बोला, एक्सक्यूज मी मैम, आप कुछ लेना पसंद करेंगी, जूस या चाय या कॉफी। लीजा कुछ बोलती उससे पहले ही उनकी मेन मॉडल टिया बोली, या मेरे लिए एक और जूस, मेरा गला काफी सूख रहा है। ओके मैम। फिर वो मेल मॉडल की तरफ देख कर बोला, एंड सो यू, वन कैपेचिनो। करण ने अपने फोन में देखते हुए कहा। वेटर ऑर्डर लेकर तुरंत ही वहां से चला गया और थोड़ी देर में जूस और कॉफी लेकर वहां आ गया। तभी लीजा बोली,
ओके गाइस, तुम लोग जल्दी जल्दी अपनी ड्रिंक्स खत्म करो, अभी मुझे काफी कुछ करना है। तभी टिया फटाफट से अपना जूस खत्म करके बोली, मैम मेरा हो गया, अब आप अपना काम कर सकती हैं। ये सुनकर लिजा वापस से अपने काम में लग गई, लेकिन तभी टिया को अपने पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ और वो लिजा को रोकते हुए बोली, मैम मैं 2 मिनट में आई। और ये कहते हुए वो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भाग गई। जब वो काफी देर तक नहीं आई तो लिजा उसको आवाज देते हुए बोली, हे जल्दी करो टिया, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और अभी फाइनल टचअप देना बाकी है। तभी टिया अपना पेट पकड़ कर बाहर आई। उसके बाहर आते ही करण भी अपना पेट पकड़े वॉशरूम की तरफ चला गया। उसको ऐसे पेट पकड़े देखकर लिजा बोली, हे आर यू ओके। टिया अपना पेट पकड़े हुए ही बोली, नो लिजा मैम, आई एम नॉट ओके, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी करण भी बाहर आते हुए बोला, और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है लिजा मैम। मुझे लगता है मैं तो अब रैंप पर वॉक भी नहीं कर पाऊंगी लिजा मैम। ये कहते हुए टिया फिर से अपने पेट को पकड़कर वॉशरूम की तरफ भाग गई। सेम हियर लिजा मैम, कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। ये कहते हुए करण भी अपना पेट पकड़े वहीं पर बैठ गया। ये देखकर लिजा बोली, हे गाइस, तुम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम जानते हो ना तुम हमारी कंपनी के मेन मॉडल्स हो, तुम्हारे बिना हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तुम्हें ही तो लीड करना है ना। तभी टिया वॉशरूम से बाहर लड़खड़ाते हुए आई और बोली, नो मैम, मुझसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुझसे नहीं होगा। उसके बाहर आते ही करण फिर से वॉशरूम की तरफ भागा। अब तो हालत ये हो गई थी कि कभी टिया अपना पेट पकड़े वॉशरूम की तरफ भागती तो कभी करण। वो लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उनका चेहरा पूरी तरह से मुरझा चुका था। उनकी ऐसी हालत देखकर तो लिजा और शार्वी भी परेशान हो गए। तभी शार्वी ने घबराते हुए कहा, लिजा मैम, इन दोनों को अचानक से क्या हुआ? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ये क्या हो गया, अभी तो ये बिल्कुल ठीक थे, अगर इनकी हालत ऐसी ही रही तो ये रैंप वॉक कैसे कर पाएंगे? लिजा भी परेशान होते हुए बोली, अब हम क्या करेंगे लिजा मैम? लिजा की बात सुनकर शार्वी भी बुरी तरह घबरा गई थी। हमें तुरंत ही आहान को इन्फॉर्म करना होगा। ये कहते हुए लिजा ने तुरंत ही आहान का नंबर डायल किया। थोड़ी देर में मेकअप रूम का दरवाजा धड़ाम से खुला और आहान रॉय अंदर आकर बोला, व्हाट हैपेंड लिजा, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तभी लिजा उसके पास आते हुए बोली, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आहान। कैसी प्रॉब्लम? तभी लिजा उसे करण और टिया को दिखाते हुए बोली, इन दोनों को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, एक के बाद एक वॉशरूम में जाए जा रहे हैं, इनकी हालत को देखकर तो लगता है अब हम इस शो में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। आहान ने उन दोनों मॉडल्स की तरफ देखा तो उनकी हालत वाकई में बहुत बुरी तरह खराब थी। खड़ा होना तो दूर की बात, वो लोग ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे और उनकी पूरी बॉडी बुरी तरह से शिवरिंग कर रही थी। आहान ने रूम में चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उसे टेबल पर रखे जूस और कैपेचिनो के कप्स नजर आए। ये देखकर आहान बोला, क्या रेडी होने से पहले इन्होंने कुछ खाया पिया था? आहान की बात सुनकर लिजा सोचते हुए बोली, हाँ पहले तो ये ठीक ही थे, बट थोड़ी देर पहले ही इन्होंने जूस और कॉफी पिया था, उसके बाद ही इनकी हालत ऐसी हो गई। ये सुनकर आहान की आईब्रो आपस में सिकुड़ गईं और वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, थवेश रायचंद, मुझे लगा नहीं था कि तुम हारने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे कि किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ तक कर बैठोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब हम क्या करेंगे आहान? लिजा की ये बात सुनकर आहान भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, कॉल द डॉक्टर। मैंने डॉक्टर को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, वो कुछ ही देर में आते ही होंगे, बट हमारे पास अब टाइम नहीं है और इनकी हालत देखकर लगता नहीं कि डॉक्टर के आने के बाद भी ये ठीक से खड़े हो पाएंगे, लिजा ने परेशान होते हुए कहा। और ये सुनकर आहान के चेहरे पर भी परेशानी के भाव दिख रहे थे। तभी वो दोनों मॉडल्स भी अपनी हल्की वॉइस में बोले, आई एम सॉरी आहान सर, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी सर, मैं भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, हमारी वजह से ही हम बिना परफॉर्म किए हार जाएंगे। ये सुनकर सभी टेंशन में आ गए। हारने की बात सुनकर ही शार्वी की आंखों में आंसू आने लगे, वो रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सही कहती है बड़ी माँ, मैं हूँ ही मनहूस, मैं जहाँ भी जाती हूँ मनहूसियत ही फैलाती हूँ। ये मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था और ये भी मैं बिना पार्टिसिपेट किए ही हार गई। शार्वी के आंसू देखकर आहान को अपने दिल में कुछ चुपता हुआ सा महसूस हुआ। उसका मन हुआ कि शार्वी को गले लगाकर कहे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे।
तभी लीजा शार्वी को चुप कराते हुए बोली, हे शार्वी, ये वक्त खुद को ब्लेम करके रोने का नहीं है, कुछ करने का है। उसकी बात सुनकर शार्वी अपने आंसू साफ करके सवालिया नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं लीजा मैम। वेट, इधर देखो, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट। लीजा उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर लेफ्ट और राइट घुमाते हुए बोली, फिर वो गौर से देखते हुए बोली, यस परफेक्ट, अब तुम लीड करोगी ये रैंप वॉक। व्हाट, ये आप क्या कह रही है लीजा मैम? उसकी बात सुनकर शार्वी शॉक्ड होते हुए बोली। तभी लीजा तुरंत बोली, यस तुम, आई एम श्योर तुम्हारा फेस मेन मॉडल्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है और तुम्हारा फिगर भी टिया के फिगर जैसा ही है, इसीलिए तुम्हें आउटफिट्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर लीजा मैम, मैंने कभी रैंप वॉक नहीं की है, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? शार्वी थोड़ा घबराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर लीजा बोली, ओह कम ऑन बेबी डॉल, तुम ये कर सकती हो। पूरी प्रिपरेशन के दौरान तुम टिया के साथ थी, उसकी ड्रेस डिजाइनिंग से लेकर कैटवॉक तक तुमने इसे अच्छे से ऑब्जर्व किया है, इवन तुम उसे सजेस्ट भी करती थी। बस तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है, बाकी तुम ये अच्छे से कर सकती हो। मत लीजा मैम। शार्वी अभी भी कंफ्यूज ही थी कि तभी लीजा उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, बटवट कुछ नहीं, तुम ये कर सकती हो। क्या तुम चाहती हो कि हम इतनी दूर आकर इस शो में हिस्सा लिए बिना ही हार जाएं? मैं तो आहान को हारते हुए नहीं देख सकती, क्या तुम आहान को हारते हुए देखना चाहती हो? लीजा की बात सुनकर शार्वी ने एक नजर आहान की तरफ देखा, जो इस वक्त शार्वी की ही तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही थी। ये देखकर शार्वी धीरे से बोली, ओके लीजा मैम, मैं रेडी हूँ। उसकी बात सुनकर लीजा बोली, चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी बाकी है। ये कहते हुए उसने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर आहान की तरफ देखते हुए बोली, हे आहान, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? उसकी बात सुनकर आहान अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए बोला, किस बारे में? शार्वी का साथ देने के लिए, लीजा फटाक से बोली। उसकी ये बात सुनकर आहान अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, व्हाट, आर यू मैड लीजा? मैं अपनी ही कंपनी का शो स्टॉपर बनकर रैंप पर वॉक करूं? तो क्या हुआ, तुम्हें करना ही क्या है, बस शार्वी के हाथ में हाथ डालकर चलना ही तो है। पर्सनालिटी तो तुम्हारी ठीक ठाक ही है और शक्ल भी, बस अपने सुरूर से चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लानी है। लीजा आहान को देखते हुए उसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए बोली, नो लीजा, मैं ये नहीं कर सकता, आहान ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहा। प्लीज आहान, हम ऐसे हार नहीं सकते, अब तो शार्वी भी मान गई, तुम भी मान जाओ, हमारे पास इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं है, लीजा ने सीरियस होते हुए कहा। तो आहान ने शार्वी की तरफ देखा। आहान को खुद की तरफ देखता पाकर शार्वी ने अपना सर धीरे से हाँ में हिलाया, मानो वो भी चाहती हो कि आहान लीजा की बात मान जाए और वो शो में पार्टिसिपेट करे। ये देखकर आहान शार्वी की तरफ देखते हुए ही बोला, ओके लीजा, मैं तैयार हूँ। आहान के मुंह से ओके सुनते ही शार्वी के फेस पर एक स्माइल आ गई और बाकी सब लोग भी खुश हो गए। दूसरी तरफ गोवा में होटल रूम में कुर्सी पर पड़े एसआर को 12 घंटे बाद जैसे ही होश आया, उसे अपने सर में कुछ भारीपन महसूस हुआ। मेरा सर, गॉड। अपने सर को पकड़कर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो पाया कि इस वक्त वो एक चेयर पर बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था और उसे अपने पूरे बदन में एक दर्द महसूस हो रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर उसके कपड़े और हैंडकफ्स पड़े हुए थे, शायद जैनी जाने से पहले उसके हाथ और आंखों की पट्टियों को खोल कर गई थी। वो अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर कल रात क्या हुआ ये याद करने की कोशिश करने लगा और कल रात का नजारा उसकी आंखों के सामने आते ही वो जोर से चिल्लाया, जैनी। लेकिन जब उसने देखा कि जैनी रूम में कहीं नहीं है तो वो चेयर से उठा और जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते पहनते उसने जैसे ही अपने आप को आईने में देखा तो डर के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख वो जोर से चिल्ला पड़ा, ये कौन है? इस वक्त उसके सारे बाल आपस में चिपक कर खड़े हो चुके थे, उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन चुके थे और उसकी आंखें और होंठ सूज कर मोटे हो चुके थे। उसका हैंडसम सा फेस इस समय किसी बंदर की तरह लाल हो चुका था, जिसकी वजह से वो खुद ही की शक्ल आईने में देखकर एक पल के लिए इतना डर गया था। खुद की ऐसी हालत देखकर वो गुस्से में अपने बाल छूते हुए पैर पटक कर बोला, पागल लड़की, ये क्या हालत कर दी तुमने मेरी, तुमने अच्छा नहीं किया जैनी, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया और तुमने मुझे ही घर में छुपकर रहने लायक बना दिया, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी और अब देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। तुमने एसआर से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? ओह,
थैंक गॉड, मेरा लक्की जाम अभी भी मेरे पास है। तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला नहीं। ये कहकर उसने अपनी हालत थोड़ी ठीक की और फिर खुद को एक मास्क और टोपी से कवर करते हुए होटल रूम से बाहर निकल गया। पेरिस में घड़ी में 8 बजते ही पेरिस फैशन शो स्टार्ट हो चुका था और एक के बाद एक मॉडल रैंप पर उतरकर अपने अपने आउटफिट्स के साथ कैटवॉक कर रहे थे। जैसे ही आरटी कंपनी ने अपने मॉडल्स को रैंप पर उतारा तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके आउटफिट्स अब तक के सबसे बेहतरीन आउटफिट्स थे। ये देखकर तविश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारी कंपनीज के परफॉर्मेंस के बाद स्टेज पर खड़े होस्ट ने बोला, सो गाइस, आप सबने देखा कि सब कंपनीज ने शानदार परफॉर्मेंस दी है और सबके डिजाइन एक से बढ़कर एक थे, जिसमें आरटी कंपनी के डिजाइन सबसे बेहतरीन है। लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमारी आज की एक कंपनी की परफॉर्मेंस अभी बाकी है दोस्तों। तो अब बारी है इंडिया से रॉय ग्रुप्स एंड टीम की। होस्ट के ये कहते ही वहां पर एक बार फिर तालियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन स्टेज पर किसी को आता न देख होस्ट ने फिर से अनाउंसमेंट किया, रॉय ग्रुप्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। लेकिन फिर भी स्टेज पर कोई नहीं आया। ये देखकर लोगों में खुसुर पुसुर स्टार्ट हो गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि रॉय ग्रुप से अभी तक कोई क्यों नहीं आया। क्या तविश रायचंद की आरटी कंपनी का बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर उन्होंने पहले ही बैकआउट कर लिया था? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल वहां मौजूद लोगों के मन में आने लगे थे। ये देखकर तविश तो खुशी से भर उठा। वो अपनी सीट से खड़े होते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, इन्हें पता ही नहीं जिनके नाम का ये यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो तो इस वक्त किसी कोने में अपना मुंह छुपा कर पड़े होंगे। चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है मेरी जीत तय है, इसलिए टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे और भी बहुत काम है। अपने असिस्टेंट से ये कहते हुए वो तुरंत ही वहां से जाने के लिए मुड़ा। अभी वो एकदम से चला ही था कि तभी उसके असिस्टेंट की आवाज उसके कानों में पड़ी, सर वो देखिए स्टेज की तरफ वो लोग आ रहे हैं। अपने असिस्टेंट की आवाज सुनकर उसने जैसे ही स्टेज की तरफ देखा तभी एक रोमांटिक म्यूजिक के साथ एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ी, जहां आहान और शार्वी हाथों में हाथ डाले स्टेज पर खड़े थे और उन्हें देखकर तो तविश के होश ही उड़ गए। तो क्या आहान और शार्वी कर पाएंगे स्टेज पर कैटवॉक और जिता पाएंगे अपनी टीम को, या अभी भी तविश रायचंद का कोई दूसरा प्लान वर्क करेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए तू जान है का अगला एपिसोड मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को।